Hello friends, I am your friend Dr. Shobha Kumari and I very warm welcome on my YouTube channel. Friends, आज के इस वीडियो में लेक्चर का टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत. भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ उस समय कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उनसे जो उनके अच्छी बातें थी उसको ग्रहण किया गया, जिसमें मुख्यतः 9 देश शामिल हैं जो इस प्रकार हैं. इसमें पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिससे मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सारे उपबंध लिए गए. दूसरा है ब्रिटेन, जिससे संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया को ग्रहण किया गया. तीन नंबर है आयरलैंड, जिससे नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व सामाजिक सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन. और चार नंबर है ऑस्ट्रेलिया, जिससे प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार इत्यादि लिए गए. फिर पांच नंबर है जर्मनी, जिससे आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई. छः नंबर है कनाडा, जहाँ से संघात्मक विशेषताएँ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन इत्यादि के उपबंध लिए गए. सात नंबर दक्षिण अफ्रीका है, जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान यहाँ से लिया गया. आठ नंबर रूस, जहाँ से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान ग्रहण किया गया. और नौ नंबर लास्ट है जापान, जहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उपबंध को ग्रहण किया गया. फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माण में इन नौ देशों का स्थान तो महत्वपूर्ण रहा ही है, साथ ही साथ भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है. भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है. भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उसमें थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते.